जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। आई होप वो वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट सेकेंड सेमेस्टर का संपूर्ण सिलेबस मैंने बताया था कि किस लेसन में या फिर किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित हैं और कितने नंबर का पेपर में पूछा जाता है। तो हम आज सबसे पहले मैथ की बात करेंगे, ठीक। तो मैथ में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में क्षेत्रफल हमारा टॉपिक है, ठीक। तो क्षेत्रफल के अंतर्गत कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनकी बात करेंगे आज इस वीडियो में। ज़्यादा लंबा वीडियो ये नहीं होने वाला, परेशान मत होइए, बोर नहीं होने दूंगा मैं आप सबको। बहुत ही आसानी से सरल शब्दों में क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में बेसिक फार्मूलों से और बेसिक जानकारी के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं, लेकिन उससे पहले हम बेसिक चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इस लेसन में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में आज इस पार्ट वन के वीडियो में चर्चा करते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात आई है क्षेत्रफल की, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एरिया। तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेसिकली सभी लोग जानते हैं कि भाई कोई तल है, मतलब जमीन का हिस्सा है या फिर कोई तल है, तो वो जो होता है कुछ आकृतियों से, कुछ आकृतियां होती हैं, चाहे वो इस शेप में हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, या रेक्टेंगल हो सकता है, आयत के रूप में हो सकता है, ठीक है, या आपका वर्ग के रूप में हो सकता है, ये वर्ग के रूप में और आयत के रूप में हो सकता है। तो ये क्या है? एक कोई आकृति है और ये क्या कर रही है? कुछ जगह को अपने अंदर समाहित किए हुए है, या कुछ कुछ जगह है जो घिरी हुई है इन आकृतियों की सीमाओं से। तो ये जो अंदर का स्पेस है, जगह है, यही क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो परिभाषा यहाँ पे लिखी कि तल का वह भाग जो एक आकृति की सीमाओं के अंदर घिरा रहता है उसे आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं, कहलाता है, ठीक। तो जो तल घिरा होता है वो आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। तो वैसे तो परिभाषा तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, सवाल ही आते हैं, ठीक, लेकिन मैंने बता दिया है कि आपको समझ में आ जाए। तो क्षेत्रफल की बात हो गई, आप लोगों ने जाना कि क्षेत्रफल में क्षेत्रफल क्या होता है, और ये टू डायमेंशन होते हैं, मतलब द्विआयामी होता है, 3D नहीं होता, और इसकी जो मात्रक होता है वर्ग इकाई। जैसे क्वेश्चन में अगर मीटर में क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर, फाइनल आंसर में लास्ट में मीटर स्क्वायर ही लिखना होगा, आप केवल मीटर नहीं लिखेंगे। अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग इकाई जरूर उसके यूनिट में होगा, अन्यथा आपका सवाल तो गलत हो जाएगा। वो मैं जब प्रश्न सामने आएंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, अभी फिलहाल आप बेसिक जानकारी लें, ठीक। अब हम लोग इसमें कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ना है, जैसे आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज तो जानते हैं कि तीन जो सरल रेखाएं होती हैं, ये ठीक है, उनसे घिरी हुई आकृति, उनके बीच जो घिरा हुआ स्थान होता है, या कोई तीन लाइनें, वो आपस में तीन लाइनें बराबर भी हो सकती हैं, या दो लाइनें बराबर हो सकती हैं, या तीनों में से कोई भी लाइन आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो वो जो क्षेत्रफल घेरती है उतना वो त्रिभुज बनाती है, ठीक है। तो त्रिभुज के अंतर्गत भी कई सारे त्रिभुज आ जाते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। तो वो जो हम पर्टिकुलर त्रिभुज की बात करेंगे तो डिटेल से चर्चा कर लेंगे, अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि हमको पढ़ना क्या है। आयत, आयत का फिगर तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, ये आयत का फिगर, इसमें क्या होता है, ये लेंथ हो गई और विड्थ हो गई, या चौड़ाई हो गई, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और लंबाई, आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स होती हैं, आमने सामने की भुजाएं होती हैं, वो आपस में बराबर होती है, मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर है, तो ये क्या आयत, और ये 90 डिग्री के एंगल्स रहते हैं, ठीक। वर्ग की बात करें तो वर्ग में आपको सभी साइड्स इक्वल देखने को मिलते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, और जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वो 90 डिग्री का होता है, ठीक। उसके बाद हम बात करें समलंब की, ठीक, समलंब। देखिए यहाँ पे हम समलंब का फिगर बनाते हैं। देखिए समलंब में क्या होता है कि दो जो रेखाएं होती हैं आमने सामने की, ठीक, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की केवल दो भुजाएं क्या हो, पैरेलल हो या समांतर हो, वो क्या होता है, समलंब, ठीक। ये फिगर इस तरह बनता है,
ये जो दो आमने सामने की लाइन आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये समांतर होंगी, ये दूसरे को कभी नहीं कटेंगी, बल्कि जो ये वाली दो लाइनें हैं ये आगे चलकर किसी न किसी बिंदु पर कटेंगी। तो हमको केवल एक जोड़ी लाइन समांतर चाहिए, मतलब दो लाइनें जो आमने सामने की वो समांतर और किसमें आती हैं, समलंब आकृति में आती हैं। इसके बाद समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होती है भाई, ये जो लाइन आप देख रहे हैं लंबी वाली, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, और ये जो साइड आप देख रहे हैं ये पैरेलल होती हैं, और ये वाली साइड भी आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। वृत्त तो आप सभी लोग जानते हैं, ये वृत्त की आकृति है, बाकी जब पढ़ेंगे तो डिटेल से जानेंगे। समखंडभुज क्या होता है, समखंडभुज में 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, या फिर ये आसानी से आप और समझ जाएंगे, मतलब ये है आपका समखंडभुज। ठीक, तो ये आकृतियां हैं, और इन्हीं सब पे हम एक एक पार्ट पे अपना वीडियो बनाएंगे, सवाल जो पेपर में आते हैं उससे संबंधित रखेंगे, और फिर आप लोगों को चीज़ें आसान लगने लगेंगी जब आप एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे आसानी से, और जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो आसानी से आप लोग समझेंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक है, अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो घबराइए मत, जब हम टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे तो सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, सब कुछ डिटेल में लेकर चलेंगे, लेकिन उतनी भी गहराई में नहीं लेकर चलेंगे क्योंकि आप बहुत बड़ा एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं। मैथ में नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं, जो मैं आपको बताऊंगा हो सकता है वो एग्जाम में देखने को मिले, नहीं वैसे सवाल जरूर में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों को वीडियो शेयर भी करें।